सर, जिस तरीके से छपरा में जो मामला सामने आया, दो समुदाय के बीच में आपसी रंजिश का मामला है, उसमें अभी तक देखा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति की भी कल मौत हो गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है जो वर्तमान सरकार है कि 90 के दशक की स्थिति फिर से बिहार में वापस आ गई है, जातीय हिंसा हो रही है। किस तरीके से आप लोगों की सरकार इस पर काम कर रही है? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन सरकार ने काफ़ी गंभीरता के साथ वहाँ कार्रवाइयाँ काफ़ी तेज़ कर दी हैं। 144 लगा है, 10 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पल पल के जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर सरकार की गहरी नज़र है। हमारी कोशिश है किसी भी सूरत में इसका बेजा इस्तेमाल अवांछित तत्व तो नहीं उठा सकें और जो भी कठोरतम कार्रवाई आवश्यकता पड़ने पर ऐसा लगेगा कि ये किया जाना आवश्यक है तो निश्चित तौर पर ये किया जाएगा। जी, इस मामले पे विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों के किसी मंत्री को वहाँ विजिट करना चाहिए, इलाके में टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई लगातार कर रही है। क्या इस पर आगे आपके देखिए, पार्टी के नेताओं का एक शिष्टमंडल वहाँ पीड़ितों से और उनके आश्रितों से मिल चुका है और सरकार अपना जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो संकल्प है उस पर पूरी तरह से कायम है। जो भी ऐसे तत्व हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। अनेक लोग जेल की सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पटना में इंसिडेंट हुआ है लास्ट नाइट, जहां पे 4 लोगों को गोली मार दी गई है। पटना में भी लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि पटना में अपराधी काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं, पुलिस व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के जो भी भ्रामक तथ्य परोसे जा रहे हैं, दरअसल वास्तविकता का परिचय उससे नहीं मिलेगा। एनसीआरबी के आंकड़े आज भी बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था की गवाही देते हैं, लेकिन हर घटना राज्य सरकार एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करती है। घटनाओं के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो, यह सरकार का संकल्प है और इस मामले में भी कोई बक्सा नहीं जाएगा।